नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम चर्चा करते हैं इंसान के हाथों में बनने वाले काइट मैंने पतंग चिन्ह। पतंग चिन्ह जो है मत्स्य के चिन्ह से मिलता जुलता चिन्ह होता है। जैसे मत्स्य का चिन्ह जो किसी भी इंसान की हथेली में बनता है वो इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से पहले चिन्ह को पहचाने, नहीं तो पता ही नहीं चलता ये चिन्ह क्या चीज़ का। इस प्रकार से बनता है ये, इस प्रकार से बनने वाला चिन्ह जो है मत्स्य होता है। इस प्रकार से बनने वाला चिन्ह मत्स्य, इसको मछली का चिन्ह कहते हैं, मत्स्य का चिन्ह जिनमें। और जो काइट का, काइट मीन्स पतंग, पतंग का जो चिन्ह इंसान के हाथों में या किसी जातक के हाथ में जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से यह चिन्ह काइट का होता है। आपने देखा इस प्रकार से काइट का चिन्ह बनता है, पतंग का चिन्ह। अब पतंग का चिन्ह अलग अलग, जैसे ये देखिए, ये हमारी हृदय रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी आयु रेखा है। ये तीन रेखाएं मूल रूप से सभी के हाथों में होती है, तो पुरुष के दाहिने हाथ में। अगर ये पतंग का चिन्ह अलग अलग जगह पर बनता है, कहीं पर भी बन सकता है, तो उसके फल भी अलग अलग होते हैं। तो हम अलग अलग इसकी चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, जैसे ये हमारी हृदय रेखा है, अगर पतंग का चिन्ह आपके इस हृदय रेखा पर, मान लिया जाए हृदय रेखा पर इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से पतंग का चिन्ह बन रहा है। जो हृदय रेखा मोटी होती है, इस पे ये पतली सी रेखा इस प्रकार से पतंग का चिन्ह बना रही है। तो इसके विषय में क्या, इसके विषय में तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, विश्वास पात्र होते हैं। अन्य लोग जो है समाज में इन्हें इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ देखते हैं, इनका मान सम्मान होता है। इसी मान सम्मान और अच्छे नज़र से लोग जो देखते हैं, जिनके कारण इनको समाज में कार्य करने का अच्छा मौका मिलता है। मान कार्य मतलब कोई भी कार्य, जैसे होता है बिजनेस करते हो या सर्विस करते हो, तो उन्हें अच्छा से बिजनेस करने का अच्छा मौका मिलता है, जिससे ये अच्छे पैसे भी कमाते हैं। तो हृदय रेखा पे अगर कहीं भी इस प्रकार से अगर आपके हाथ में काइट का चिन्ह बनता है, तो इसका ये शुभ फल देने वाला होता है, मतलब मान सम्मान के साथ। तो अब हमारी दूसरी रेखा, अब हम चर्चा करते हैं मानसिक रेखा। ये हमारी मस्तिष्क रेखा ये होती है। अगर आपके ये इस मस्तिष्क रेखा को स्पष्ट रूप से आप पहचानिए। गलत रेखा पहचान लेते हैं और कहते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं गुरु जी हमारे ये गड़बड़ हो गई, ये ऐसा नहीं है। बोले रेखा थोड़ी सी पहचानने की कोशिश करें। अगर इस क्षेत्र पर काइट का चिन्ह इस प्रकार से बनता हो आपके मस्तिष्क रेखा पे, तो आपके मस्तिष्क के बौद्धिक विकास मतलब मजबूती को दिखलाता है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक मस्तिष्क को दिखलाता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ा देता है। ऐसे लोग बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, या ऐसे लोग किसी भी समस्या से अपने आप को निकाल लेते हैं, और बहुत ही आसानी से और सूझबूझ से निकालते हैं। तो आप अपने मस्तिष्क रेखा में देखिए, कहीं पर भी अगर इस प्रकार से पतली रेखा से पतंग का चिन्ह बनता हो। अब जो तीसरी हो, तीसरा इसका पोजीशन होता है, ऐसे तो कई जगह बनते हैं मैंने बताया है, अन्य जगह जो बनते हैं ये हमारा आयु रेखा पर भी बनता है। ये हमारा जो आयु रेखा या जीवन रेखा, ये आयु रेखा होता है, इस क्षेत्र से निकलता है और ये मणिबंध की ओर जाता है। ये बड़ा छोटा हो सकता है। तो इस पर जब बनता है, मान लिया जाए आपके इस क्षेत्र पर इस प्रकार से पतंग का चिन्ह बन रहा हो, इस प्रकार से कोई रेखा काटती हो, तो ऐसे कहा तो ये पतंग का चिन्ह है। चिन्ह को पहचानिए, किसी अन्य चिन्ह को, द्वीप को पतंग मत मान लीजिएगा। द्वीप का फल अलग होता है, पतंग का चिन्ह फल अलग होता है। तो ऐसे ये जो है ना, ये दिखलाता है कि आर्थिक रूप से ऐसे लोग सुदृढ़ होंगे, मतलब मजबूत होंगे, सामाजिक रूप से भी मजबूत होंगे। ये धन योग को दिखलाता है। ऐसा पतंग का चिन्ह पूरे जीवन में उनको हर प्रकार की मुसीबत, सामाजिक आर्थिक किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े मुसीबत से ये पतंग का चिन्ह उनको बेखूबी से बचाता है। अगर ये पतंग का चिन्ह आपके भाग्य रेखा पे बन रहा हो, भाग्य रेखा पे बनना अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसे लोग जो है दिन दुनी रात दुगुनी चौगुनी कहते हैं ना, सफलता अर्जित करते हैं। भाग्य रेखा पे ये अत्यंत शुभ माना जाता है। भाग्य रेखा आपकी शनि क्षेत्र में जाती है, वो चंद्र से निकलती है या कहीं से भी निकल सकती है। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।